मेरा नमस्कार, मैं सुमित्रा। मैं जीपीएस बलियाना में 3.5 साल से जेबीटी पद पर कार्यरत हूँ। मेरे जिले का नाम रोहतक है और मेरा डिस्ट्रिक्ट सांपला है। और मेरा जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है वो रेवड़ी गज्जक और कपड़े की मार्केट है, शोरी मार्केट, उसके लिए प्रसिद्ध है। और मेरी कक्षा के अंदर 23 बच्चे हैं और मेरे प्राइमरी विभाग में 89 बच्चे हैं। और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, जिनके पेरेंट्स या तो मजदूरी करते हैं या छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं। कोरोना काल में, यानी कोविड-19 के समय, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं। एक तो उनके पास स्मार्टफोन की सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं थी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वे मजदूरी करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे उनको उनके ही पड़ोस में, उनकी ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के पास से पढ़ने के लिए भेजा। और इससे भी मुझे बहुत फायदा मिला कि कई बच्चे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, वो ऑनलाइन रहकर पड़ोस के बच्चों के साथ काम करते थे। और दूसरी बात, मुझे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वो लेसन समझ में आए। और मैंने देखा कि भाई ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत तो बहुत आ रही थी। इसके बाद हमें अरविंदो सोसाइटी से प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। और जो हमारे प्रशिक्षक हैं अनुराग जी, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमें अलग अलग 14 मॉड्यूल करवाए, जो जिसमें अलग अलग नवाचार थे। और इन नवाचारों के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत कुछ ऐसी स्किल सीखी जिनसे हम बच्चों के अधिगम स्तर में अधिक से अधिक सुधार कर सकते हैं। और मैंने इन स्किल्स को बच्चों पर अजमाया, बच्चों पर लागू किया, जिससे मुझे बहुत ही बच्चों के अधिगम स्तर में बहुत अधिक सुधार देखने को मिला। और ZIIEI ऐप में जो भी कंटेंट है उनको मैंने पढ़ा और उनको मैंने बच्चों पर लागू किया। उनमें हर स्टेट वाइज, हर कक्षा के और हर सब्जेक्ट्स के कंटेंट दे रखे हैं और वे बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी साबित हुए, बहुत ही लाभदायक साबित हुए। मैंने देखा कि इसके बाद बच्चे बहुत अधिक रुचि लेकर अपना अध्ययन करने लगे और बच्चों के अधिगम स्तर में भी बहुत अधिक सुधार हुआ। तो मैंने अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक और श्री अनुराग सर से जो कुछ सीखने को मिला वो मैंने पूरी तरह से बच्चों पर लागू किया, जिससे बच्चे अधिक रुचि से पहले की अपेक्षा अधिक मतलब अपना अध्ययन का कार्य बहुत अच्छे से करने लगे और बच्चों में बहुत अधिक सुधार आया। तो मैं HDFC बैंक, अरविंदो सोसाइटी और जो हमारे प्रशिक्षक हैं श्री अनुराग जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो हमें धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका दिया। और आशा करती हूँ कि आगे भी जब भी कभी ऐसे प्रशिक्षण होंगे तो मुझे इसमें भाग लेने का मौका देंगे। तो मैं अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक और श्री अनुराग सर को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।